हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन योर टिप्स। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को फैक्टराइज। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसे। सबसे पहले है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन लेंगे दो, हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों में ही दो टर्म है यहाँ पर, और दोनों टर्म में ही हमें एक्स कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम अपनी कन्वीनियंट के लिए चाहें तो हम इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए ए इंटू एक्स इंटू एक्स इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसको बी इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो अगर मैं दोनों में देखूँ तो मुझे दोनों में ही एक्स मिल रहा है। यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो दोनों में एक्स कॉमन है। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये एक्स कॉमन आ चुका है, बचा क्या हमारे पास ए एक्स। तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे ए एक्स, इधर से प्लस का साइन और इधर से बी। इससे ज़्यादा फैक्टराइज के नहीं बन सकते हैं। तो अब यही हमारा आंसर है, फैक्टराइज हो चुका है ये। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में है 7p² प्लस 21q². तो हम इसे लिख लेते हैं 7p² प्लस 21q². अपनी कन्वीनियंट के लिए फिर मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। देखिए 7 × p × p प्लस, अब 21 को अगर मैं लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ 7 × 3 और यहाँ पर q × q। तो अगर मैं दोनों में देखूँ तो मुझे यहाँ पर 7 दोनों में ही कॉमन मिल रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं 7 को एक बार ले लूँगा बाहर। इधर से p × p मेरे पास बचा p² प्लस इधर से 3q², ये मेरे पास रिमेनिंग बच गया। तो ये बाहर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इस तरह से फैक्टराइज हो गया। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², तो हम इसे लिख लेते हैं 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz². अब अगर हम इन तीनों में ही देखें तो हमें दिख रहा है कि तीनों में 2 भी है, तीनों में x भी है, लेकिन y और z कॉमन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि y इसमें है तो इन दोनों में y नहीं है, और z अगर इसमें है तो इन दोनों में z नहीं है, लेकिन 2 और x तीनों में ही कॉमन है। चाहे तो आप एक्सपेंड कर लीजिए इसको अपने लिए, और चाहे तो आप बिना एक्सपेंड किए भी ले सकते हैं। मैं एक्सपेंड करके लूँगा, तो 2 × x × x × x प्लस 2 × x × y × y प्लस 2 × x × z × z। अब अगर मैं देखूं, अंडरलाइन कर लेता हूं, मैं 2 तीनों में कॉमन, उसके अलावा x भी तीनों में कॉमन। तो इस तरह से 2x पूरा कॉमन आ चुका है, इधर से हमारा बचा x², इधर से हमारा 2x कॉमन आ चुका है, तो इधर से बचा y² और इधर से हमारा z² बचा। तो इस तरह से फैक्टराइज हो गया। आगे चलते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an². तो देखिए बहुत ही इजी है इसमें। अब इसमें हमें एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, हम दो दो टर्म्स को ग्रुपिंग करके करेंगे इसमें सॉल्व। इन दोनों टर्म्स की अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में m² देखिए आपको यहाँ दोनों तरफ मिल रहा है, तो हम m² जो है इस दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, और इधर से हमारा बचेगा a और इधर से b। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो n² दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा, तो प्लस n² हमें कॉमन मिल जाता है, और यहाँ से बचता है b प्लस a। अब देखिए अगर हम देखें a प्लस b, b प्लस a की बात होती है, हम एडिशन के को अगर हम दो नंबर की एडिशन कर रहे हैं तो हम उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि 2+3 कर रहे हैं तो 3+2 भी लिखते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो इसका मतलब a प्लस बी ही माना जाएगा।
ठीक है। तो ए प्लस बी अगर हम पूरी इसमें देखें तो कॉमन मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी दोनों हमें कॉमन में ले लेंगे, और जो हमारे पास बचता है वो बचता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो ये दोनों बचते हैं ये हमारे बचे हुए यहाँ लिखे जाएंगे नीचे, और इन दोनों में से कॉमन यहाँ लिखा जाएगा। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है एल एल एम प्लस एल ब्रैकेट में प्लस एम प्लस वन, तो इसे लिख लेते हैं एल एम प्लस एल की ब्रैकेट में है प्लस एम प्लस वन। तो देखिए अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमें एल यहाँ पर कॉमन मिल जाता है, तो हम यहाँ पर एल कॉमन ले लेंगे, इधर से बचा एम प्लस, इधर से एल आ चुका है, जब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, वन माना जाएगा, वन बचा है यहाँ पर। और अगर हम इन दोनों में से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वन कॉमन होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर वन कॉमन ले लेंगे, पूरा बचा हुआ हम इधर लिख देंगे एम प्लस वन। अब पूरी इसमें देखते हैं तो एम प्लस वन हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर एम प्लस वन कॉमन आ गया हमारा, और जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था अब एल और प्लस एम, ये हम यहाँ लिखेंगे एल प्लस वन, सॉरी एल प्लस वन, इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है वाई वाई प्लस जेड ब्रैकेट में प्लस 9 वाई प्लस जेड, इसे लिख लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई वाई प्लस जेड प्लस 9 वाई प्लस जेड। तो देखिए ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इसमें अगर हम देखें तो हमें वाई प्लस जेड यहाँ कॉमन मिल जाता है, तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे वाई प्लस जेड। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसका वो हम यहाँ लिख लेंगे वाई प्लस 9। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 7th की तरफ चलते हैं, सॉरी आप क्वेश्चन नंबर 7th में देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब देखिए इसके अंदर हम एक्सपेंड करेंगे पहले इसको, अब इसमें हम वैसे ही ग्रुपिंग करेंगे दो दो की, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ है 5 × y इंटू वाई माइनस, ऐसे ही हम 20 को कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, इस तरह से y, और यहाँ 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × z प्लस 2 × y × z। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 5 और y जो है वो कॉमन, तो 5y इसमें से कॉमन आ रहा है, और अगर हम इधर से देखें तो इधर से हम देखेंगे कि सिर्फ 2 कॉमन है और 6z कॉमन है, इसी तरह से हम जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 5y कॉमन, इधर से बचा y माइनस का साइन, इधर से 5y कॉमन है तो 2 × 2 = 4। अब देखिए अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 5y × y 5y² और 5y × 4 = 20y, इसी तरह से हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन मिल रहा है और z भी कॉमन मिल रहा है 2z। अब देखें यहाँ पर साइन हमें लगाना है, तो हम किस तरह से इसमें साइन लगा सकते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 2 जो है वो प्लस का चाहिए और 8 जो है वो यहाँ माइनस का चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर जो बचा है वो क्या बचा है हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ 4z है, और इधर से अगर हम देखें तो ये y बचा है, तो अब इस तरह से लिखना है हमें कि हमें यहाँ पर साइन प्लस का होना चाहिए और ऐसे मल्टीप्लाई करने पर माइनस का होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए अगर मैं 4z प्लस वाई, 4z नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा, तो अब देखिए मैं प्लस का ले लेता हूँ यहाँ पर अगर 2z, तो मुझे यहाँ पर 4 माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तभी मेरे पास माइनस 8z बचेगा, और इधर से इसको मैं प्लस का ले लूँगा, तो यहाँ पर 2 2z × में y 2yz हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस करके माइनस 8z हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8z, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
टू वाई जेड। तो अगर हम इन दोनों में देखें, देखिए वाई प्लस का है यहाँ पर, फोर माइनस का है, इधर भी वाई प्लस का और फोर माइनस का है, तो इट मीन्स वाई माइनस फोर, वाई माइनस फोर दोनों की तरफ ही हो गया। तो वाई माइनस फोर जो है हमारा यहाँ पर एक तरह से कॉमन आ गया इसमें, यहाँ पूरा वाई माइनस फोर, वाई माइनस फोर, और जो बचा हुआ है हमारे पास वो बचा फाइव वाई प्लस टू जेड, फाइव वाई प्लस टू जेड जो है हमारे पास यहाँ बच गया। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है टेन ए बी प्लस फोर ए प्लस फाइव बी प्लस टू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर एट। एट्थ में है टेन ए बी प्लस फोर ए प्लस फाइव बी प्लस टू। तो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ पहले, टू इंटू में फाइव इंटू ए इंटू बी प्लस टू इंटू टू इंटू ए प्लस फाइव इंटू में बी प्लस टू। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए यहाँ कॉमन आ गया और एक टू कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पर टू ए कॉमन है, इधर की तरफ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा हमें, तो यहाँ पर टू ए कॉमन, इधर से बचा फाइव और बी, तो फाइव बी प्लस, इधर बचा सिर्फ टू। इसमें से अगर हम देखें फाइव इंटू में बी और प्लस टू में कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस वन कॉमन माना जाएगा, तो फाइव बी प्लस टू एग्जैक्टली हम यहाँ लिख देंगे। अब इस पूरे में कॉमन देखते हैं, तो फाइव बी प्लस टू हमारा कॉमन है, फाइव बी प्लस टू। अब बचा क्या यहाँ पर रिमेनिंग में है, टू ए प्लस वन। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एट्थ हो गया, नाइन्थ क्वेश्चन। देखिए नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में है सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई प्लस सिक्स माइनस नाइन एक्स, सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई प्लस सिक्स माइनस नाइन एक्स। तो हम इस तो फिर एक्सपेंड कर लेते हैं, टू इंटू में थ्री इंटू में एक्स इंटू में वाई, टू इंटू में टू इंटू में वाई प्लस टू इंटू में थ्री प्लस थ्री इंटू में थ्री इंटू में एक्स। अगर हम देखें यहाँ दोनों तरफ, तो हमारे पास टू कॉमन मिल रहा है और वाई कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो टू वाई दोनों में कॉमन है, तो टू वाई ले लेते हैं यहाँ पर, इधर से बचा थ्री एक्स और यहाँ माइनस टू, ये जो माइनस बचा। अब इधर से अगर हम देखें तो क्या कॉमन मिल रहा है, अगर हम देखें तो माइनस का साइन है, तो थ्री दोनों में है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे थ्री जो है वो दोनों में कॉमन है। और हमें लिखना है यहाँ पर, तो देखिए अब हमें इसको इस तरह से लिखना है कि हमारे साइन जो है ऊपर वाले ठीक हो जाएं। तो ऊपर वाले साइन ठीक करने के लिए अब यहाँ पर मैं जो है वो प्लस का ले लेता हूँ अगर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस टू जो यहाँ बचा हुआ है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ प्लस का आना चाहिए, कि ये नहीं आ रहा, तो मुझे इसके साइन चेंज करने होंगे, तो मुझे यहाँ माइनस का लेना चाहिए और ये प्लस का लेना चाहिए, लेकिन प्लस लेने पर यहाँ पर माइनस टू है जबकि, तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसको माइनस का ही ले लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इस तरह से प्लस सिक्स बन जाएगा। और यहाँ पर हम हमारा जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है थ्री एक्स, तो मैं थ्री एक्स प्लस का लेता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए मैं प्लस का थ्री एक्स ले लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम दोनों तरफ देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिक्स बनेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नाइन एक्स बचेगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स माइनस टू। देखें तो दोनों में कॉमन है, देखें यहाँ पर भी थ्री एक्स प्लस का है, यहाँ थ्री एक्स प्लस का है, यहाँ टू माइनस का है, तो यहाँ पर भी टू माइनस का है, और मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाले भी आ रहे हैं। तो इसी तरह से देखें, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स एक्स वाई आ रहा है, और टू टू जा फोर, फोर वाई आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, इसी तरह से ये भी आ रहे हैं। अब बचा हुआ यहाँ लिख लेंगे हम टू वाई माइनस थ्री। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। आपने साइनों का बहुत ध्यान से इसको करना है, अगर साइन आपके क्लियर नहीं होंगे बिल्कुल भी यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर नाइन। इस तरह से ये सारे पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं अभी, तो करते रहिए प्रैक्टिस।